हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखें, उस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं। ओके, तो ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, फ्रेंड, गुरु आपका, कोई रोल मॉडल, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी जो अब तारा बन गया है। ओके, तो यस, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इसे हम देखेंगे। ये रीडिंग को आप अपने सन साइन और अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आने वाले समय में भी अगर ये रीडिंग आपके सामने आए और इसे आप देखें तो ये आपके साथ रेजोनेट भी होगी और आपको गाइड भी करेगी। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें एक्स्ट्रा कॉन्टेंट के लिए, तब भी आपका स्वागत है। यूट्यूब पर भी अब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेम्बरशिप ले सकते हैं, और ऐसा करने से आपको एजुकेशनल वीडियोज़ की एक्सेस मिलेगी। और ये जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, ये आपकी बहुत मदद कर सकती हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ऑलरेडी 6 वीडियोज अपलोडेड हैं, तो यस, अगर आप चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट टॉरस, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओह, आपके लिए तो दो ही आए। ओके, दो ही सही। चांद और सूरज से सीखो। ओके, ड्युअलिटी पहला मैसेज। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट योर करंट रियलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट थॉट्स एंड एक्शंस। वाओ, आई थिंक ये जो भी पर्सन जिसके बारे में भी आपने सोचा है इस रीडिंग को देखते वक्त, ये पर्सन बहुत एनलाइटेंड है, बहुत इनलाइटेंड सोल है ये पर्सन। और आई थिंक ये अमूमन बहुत एक इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन गिना जाता है अपने अपने फील्ड में या फिर अपनी फैमिली में भी। ओके, बट ये इसमें एक बहुत ही सुलझा हुआ शख्स हो, जैसे कोई, मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो ये पर्सन के मैसेजेस चाहे दो हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपको ड्युअलिटी के साथ कनेक्ट होने को कह रहा है। ओके, ड्युअलिटी, हर चीज़ की दो साइड्स हैं। ओके, सही में गलत, गलत में सही, धूप और छांव, चांद और सूरज। और जब हम ड्युअलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होनी ही होनी है। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन कह रहा है कि चीज़ों को हर एंगल से देखने की कोशिश करो, चीज़ों की सही साइड क्या है, चीज़ों की गलत साइड क्या है। ओके, और ये चीज़ आप में एक नया एटीट्यूड, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया लेंस पैदा करेगी, और ये ऊर्जा आपकी बहुत मदद कर सकती है आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरा मैसेज इस पर्सन का द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी से है। ये पर्सन कह रहा है कि तुम्हारी जो करंट रियलिटी है टॉरस, तुम्हें ये एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि ये तुम्हारे ही थॉट्स और तुम्हारे ही पास्ट के एक्शंस का नतीजा है। तो ये पर्सन थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को कह रहा है कि तुम्हारी करंट रियलिटी में अगर तुम सिंपली ये कह रहे हो कि बाकी लोगों की वजह से ये हुआ है, तो हो सकता है कि बाकी लोगों का उसमें योगदान हो, पर एट द सेम टाइम आपका भी योगदान है आपकी करंट रियलिटी में। आपकी करंट रियलिटी आपके पास्ट के थॉट्स और पास्ट के एक्शंस का ही नतीजा है, विच मीन्स कि यहाँ पर एक और विजडम ये है कि अगर करंट रियलिटी पास्ट के एक्शंस का नतीजा है, तो आने वाली रियलिटी आज के एक्शंस का नतीजा हो सकती है। विच मीन्स कि पॉजिटिव सोचो और आज के टाइम में पॉजिटिव एक्शंस लो, तो आने वाला जो तुम्हारा कल है वो भी पॉजिटिव बन सकता है। ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी टॉरस साइन के लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। वी हैव द एम्परर। सो टॉरस, यू वांट समथिंग, आई डोंट नो, यहाँ बहुत स्ट्रांगली डिज़ायर शब्द की फ्रीक्वेंसी मुझे महसूस हुई। आई बिलीव यू वॉन्ट समथिंग टॉरस, और इस पर्सन को ये पता है कि दैट यू वॉन्ट समथिंग, यू डिज़ायर ऑफ समथिंग।
और ये पर्सन बेसिकली आपसे कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी जिस चीज़ को पाने की इच्छा है, वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखोगे। क्योंकि एम्परर बहुत रिस्पॉन्सिबल कार्ड है, उसे पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो उसके लिए हमेशा तैयार है। एंड आई बिलीव आपके कोई जो डिज़ायर है, और अगेन कोई भी डिज़ायर हो सकती है आपकी, यू नो हम सभी की अलग अलग इच्छाएँ हैं, ये पर्सन बेसिकली यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें एक वर्जन रेडी करना है अपना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कहता है कि हाँ, जो मेरी अपनी करंट रियलिटी है, इसमें सिर्फ लोगों का ही योगदान नहीं, मेरा खुद का भी योगदान है। मैं दूसरों पर ही क्यों उंगलियाँ उठा रहा हूँ, मैं खुद पर भी एक उंगली उठाऊँ और कहूँ कि हाँ, ये जो रियलिटी है, ये मेरे भी थॉट्स और मेरे भी एक्शंस का नतीजा है। मैं भी यहाँ पर डुअलिटी से चीज़ों को सीखूँ, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आऊँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो एटीट्यूड है, यही आपके डिज़ायर्स की विश फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट करेगा। ये मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए है। वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द जस्टिस। या आई थिंक अगेन ये पर्सन आपके साथ बहुत ऑनेस्ट है। मैं ये एक एनर्जी पिक कर रही हूँ। अमूमन हमारी एनर्जी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं टॉरस, जो सच सिंपली इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमें हर्ट कर देंगे। हालांकि उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव हो सकती है, पर एट द सेम टाइम आई थिंक वो ऐसा करके हमें धोखे में रख रहे होते हैं और हमें चीट कर रहे होते हैं और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोक रहे होते हैं। ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन ऐसा नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी रेयर है और इसका पर्पस यहाँ पर इतना ऑनेस्ट इतने ऑनेस्ट मैसेजेस देने का यही है कि तुम जाग सको, तुम यहाँ पर सच को पहचान सको। सो आई डोंट थिंक कि इस पर्सन को आपको कभी भी लूज़ करना चाहिए। ये पर्सन हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, कभी एक बहुत अच्छे दोस्त का, कभी एक बहुत अच्छे गाइड का, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस का। ओके, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, इसको लूज़ मत कीजिए। इसे लूज़ मत कीजिए। ऑब्वियसली अगर ये तारा बन गए हैं वो अलग बात है, लेकिन यस, इस पर्सन को लूज़ मत कीजिए अगर ये ज़िंदा है पर्सन। ओके, बट यस, यहाँ पर ये पर्सन आपको कह रहा है कि कुछ बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दैट डजेंट मीन कि उनकी बात ना की जाए। कभी कभी सच कड़वा हो सकता है, ये पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन कह रहा है कि क्योंकि कभी कभी सच कड़वा होता है और उसे तुम हर्ट भी हो सकते हो, तो उसके हर्ट में नहीं फंसना। हर्ट हो सकते हो, लेकिन यस, वहाँ उस पॉइंट में जाकर अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, उसके पार जाने की कोशिश करो। ये जो सच तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम्हें चुभ भी रहा है, इसके इस सच के मतलब इस सच को अगर तुम एक्सेप्ट कर लो तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, इस पर अपना फोकस लेकर जाओ। और यही तुम्हारी फ्रीडम है, यही तुम्हारी आज़ादी है। ओके, समहाउ ये पर्सन आपको किसी किस्म के मेंटल ट्रैप से, मेंटली आप किसी जाल में हो, किसी ट्रैप में हो, जिससे ये पर्सन आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। पैराडाइम शिफ्ट, थॉट प्रोसेस में चेंजेस, अपने सोचने के ढंग में बदलाव। फॉर सम रीजन जैसे मुझे इस पर्सन से एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि मैं पक गया हूँ तुम्हारे वही थॉट सुन सुनकर, जो तुम्हारे दिमाग में चलती है ना बातें टॉरस, मैं पक गया हूँ। कोई नई बात करो, कुछ नया सोचो, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतनी पोटेंशियल है तुम में, तुम इतने लोगों की लाइफ को टच कर सकते हो, यू नो ब्यूटिफुली आप उनकी लाइफ को बेहतर कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे, अपने ही इस मेंटल ट्रैप में क्यों फंसे हुए हो। तो यहाँ से अगेन इस पर्सन का मैसेज यही रहता है कि सच जब चुभे तो उसे 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 दरअसल ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हमें सच चुभता है तो हम उसके ऊपर पर्दा डालने की या उसको नम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल स्पेस है। तो ये पर्सन कह रहा है कि वो मत करो, जहाँ से ट्रिगर हो रहे हो उस ट्रिगर को पढ़ो, समझो, जानो, तभी उससे आगे निकल पाओगे। यहाँ पर मुक्ति सी है, जैसे यू नो खुद को जैसे आजाद करना मेंटल ट्रैप से। और क्या मैसेज है आपकी तरफ से टॉरस के लिए?
We have six of pentacles, so balance का message बहुत important है. We have five of cups. We have five of swords. बॉटम ऑफ द डेक में है सन कार्ड और नाइन ऑफ कप्स. यस, मैंने तभी कहा कोई विश है आपकी जिसे आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कितने हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी उठाते हो, दूसरों पर उंगलियां उठाने की जगह अपने ऊपर कितनी उंगली उठा रहे हो, आपका क्या रोल रहा है. यू नो, अगेन आई थिंक एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत रेयर है. ऐसे लोग, सच्चे लोग बहुत रेयरली हमें हमारी लाइफ में आते हैं. ओके, झूठे लोगों से भर सकती है हमारा एनर्जी फील्ड, जो हमें झूठे मोटे कॉम्प्लीमेंट्स दें, यू नो, झूठे मोटे हमें पहाड़, चने के पहाड़ पर बिठा के रखें. लेकिन एक ऐसा पर्सन जो ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्टी के साथ, यू नो, अपनी बातें आपके साथ शेयर करें, ये बहुत रेयर है. तो ये जो भी पर्सन है, अगेन मैं कह रही हूँ, ये बहुत रेयर है. आप इस पर्सन को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते. सो यहाँ पर पाँच पाँच का और छः का एक कार्ड है यहाँ पर. सो आई थिंक यहाँ पर फिर से चेंज के लिए आपको ये प्रेरित कर रहा है पर्सन. ये कह रहा है कि चेंज योर सर्कमस्टांसेस, हार्मनी को क्लेम करो. ओके, तुम चीज़ों को जिस तरीके से देखते हो ये भी डिटर्मिन करता है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी हार्मनी होगी. अगर तुम अपनी सिचुएशन को इसी ढंग से देख रहे हो कि तुम्हारे साथ ही बुरा होता है, तुम ही अनलकी हो, तुम्हारे साथ ही लोग धोखा करते हैं, तुम्हारे साथ ही ये होता है, तो यही डिटर्मिन करेगा कि यस, आपके जीवन में हार्मनी नहीं होगी, क्योंकि आपने पूरी यहाँ पर ताकत सामने वाले को दे रखी है. तो ये पर्सन कह रहा है, अगेन डुअलिटी को समझो. ओके, अगर एक ताली उसने मारी तो तुमने भी तो एक ताली लगाई. तो अब यहाँ पर समय है अपने हिस्से के एक्शन को यहाँ पर स्टडी करने का, कि हाँ, मैं कहाँ चुका या मैं कहाँ कुछ बेहतर कर सकता था, मेरे हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे हिस्से का रोल क्या है. और यही चीज़ आपकी लाइफ में धीरे 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 हार्मनी को रिस्टोर करने में आपकी मदद करेगी. ये पर्सन आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए कह रहा है टॉरस. ये एक मैसेज है इस पर्सन की तरफ से कि एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनो. ये अच्छी क्वालिटी नहीं है. कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर, यू नो, डिफीट, कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर पंगा लेना, कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर सैडनेस को चूज़ करना, ये अच्छी लाइफ नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है. राइट, तो अपनी लाइफ की क्वालिटी को यहाँ पर बेटर करो. तुम्हारी लाइफ से कौन सा पर्पस निकल सकता है, तुम क्या किसी को कुछ दे सकते हो, इस लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में, इस अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने में कौन सा योगदान दे सकते हो, ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते तुम. ओके, सो यस, आई थिंक मैसेज है यहाँ पर बैलेंस को लेकर आओ अपनी लाइफ में. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए. We have Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, Four of Cups. ये पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि इस समय आपका पूरा फोकस आपके करियर और आपके फैमिली रिलेशनशिप्स पर होना चाहिए. फैमिली रिलेशनशिप में सिर्फ ब्लड लाइन वाले रिलेशनशिप ही नहीं, ऐसे लोग जिनके साथ आपका ब्लड का रिश्ता नहीं है लेकिन आप फिर भी उनको फैमिली कहते हो. ओके, तो ये पर्सन कह रहा है कि इस समय तुम्हारे पास जो भी है वो बहुत प्रेशियस है और तुम इसको लूज़ करना अफोर्ड नहीं अगेन कर सकते. तो अपने करियर को बनाने पर काम करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने रिलेशनशिप, जो जेन्युइन रिलेशनशिप्स हैं, उनको टाइम दो यहाँ पर. ओके, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रार्थनाएं करो, मेडिटेशन करो, स्पेस क्रिएट करो यहाँ पर. सो लेट्स सी ये स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं टॉरस नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. We have Ace of Wands. आपको co-create करना होगा universe के साथ. Co-create कीजिए. Okay? Co-creation में क्या होता है कि हमने यहाँ पर इच्छा जताई कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके लिए हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि इस इच्छा की manifestation के लिए मेरे हाथ में वो कौन सा action है जो basically मैं ले सकता हूँ. मेरे हिस्से का जो भी action है वो मैं लूँगा और बाकी universe के ऊपर है. और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. तो आपको कलाब करने की ज़रूरत है स्पिरिट के साथ.
अपने डिवाइन के साथ, और इस तरीके से आप यहाँ पर स्पेस भी क्रिएट कर पाओगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर पाओगे. ओके, ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से. व्हाट एल्स? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द फूल कार्ड. या आई मीन फूल और द वर्ल्ड कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक ये पर्सन आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम बहुत करीब हो कुछ चीज़ों के साइकिल को कंप्लीट करने में. ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक किस्म का पिंजरा ही कह लीजिए, साइकिल ही कह लीजिए, तुम इनको शिफ्ट करने में बहुत करीब हो, तो इसलिए अब तुम गिव अप नहीं कर सकते. तो ये पर्सन आपको इनकरेजमेंट भी दे रहा है. ये कह रहा है कि इस टाइम पर तुम आकर गिव अप नहीं कर सकते, इस टाइम पर आकर तुम यहाँ पर इतने ट्रिगर नहीं हो सकते कि ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ट्रिगर हूँ और इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा. तुम मुंह फिलाकर नहीं बैठ सकते. यू हैव टू वेक अप. एंड पर पहुँच कर तुम ये जो एनर्जी है कि यू नो वॉट, अब मुझे नहीं करना, ये नहीं कह सकते तुम, क्योंकि न्यू बिगनिंग तुम्हारे सामने खड़ी है. विद द फूल कार्ड, न्यू चैप्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अननोन में यू नो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना होगा. अननोन क्या है कि मुझे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. लेकिन जब हमें ऐसा होना कि मुझे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, उस समय हमें फिर भी फेथ के साथ, सरेंडर के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, आगे ही बढ़ना है. तो ऐसे केस में अननोन की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ट्रस्ट करो थोड़ा सा अननोन की एनर्जी के ऊपर. ओके, ये पर्सन अगेन आपको यही कह रहा है यहाँ पर विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कि थोड़ा सा हाजिर जवाबी बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पर. थोड़ी सी हाजिर जवाबी, यू नो, जितना हो सके तुरंत जवाब देने की कोशिश करना, दिमाग में नहीं ज़्यादा फंसना, सोचते रहना कि कहूँ कि ना कहूँ, करूँ कि ना करूँ, इस स्थिति से बचो. ओके, एक मोमेंट में जो महसूस होता है उसे कह दो, जो महसूस होता है उसे कर दो. ये भी चेंज को यहाँ पर, चेंज की एनर्जी को इन्वोक करने की एनर्जी हो जाएगी. ओके, क्या कोई और मैसेज है? सिंप्लिसिटी एंड कॉन्फिडेंस. ओके, तो ये पर्सन कह रहा है कि अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है यहाँ पर दोबारा से, तो सिंपल चॉइसेस को चूज़ करो. अगेन, अपने आप को ओवरवेल्म होने से बचाओ, मल्टीपल चॉइसेस से बचो. यहाँ पर सिंपल चॉइसेस रखने से क्या होगा कि तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुम्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है, और जो करना है उसे कैसे करना है. तो जब हमें, हमारे पास हम जैसे जैसे टक 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 इन्फॉर्मेशन रेडी करते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे पास एक प्लान है. सिंप्लिसिटी से आपके पास एक प्लान आएगा, और प्लान से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जी से भर पाओगे. ओके, अगेन आई बिलीव टॉरस, ये जो भी पर्सन है ये बहुत रेयर पर्सन है, ये जो भी पर्सन है ये बहुत इनलाइटेंड पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है. आई थिंक ये अब तक की सबसे यूनिक रीडिंग की है मैंने, और सबसे डीप रीडिंग भी है. बहुत ऑनेस्टी है इस रीडिंग में. सो होपफुली आप भी इस रीडिंग से जुड़ पाए होंगे, और आपको इससे बहुत सारी मैसेजेस और गाइडेंस मिली होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं. ओके, टेक केयर. Bye!